वंदना तिवारी ने नेट परीक्षा पास कर किया खुरगुपुर के तेंदुआ गांव का नाम रोशन। खबर गोंडा से सामने आ रही है। गोंडा विकास खंड रुपाइडिया कहते हैं कि जब कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और अपनी मेहनत पर भरोसा हो तो किसी भी कार्य के सामने मुश्किल नहीं टिकती है और सफलता अपने आप कदम चूमती है। इसी को चरितार्थ करते हुए गोंडा जिले के खुरगुपुर कस्बे से चंद कदमों की दूरी पर ग्राम पंचायत तेंदुआ चौखड़िया से जहां पर वंदना तिवारी ने करके दिखाया है यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण करके जिले में अपना नाम अंकित करके साथ साथ अपने गांव का नाम भी रोशन किया है। इन्होंने अपनी शारीरिक शिक्षा हाई स्कूल चिन्मय ग्रामोदय इंटर कॉलेज जयप्रभा ग्राम गोंडा प्रथम श्रेणी एवं इंटर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा विज्ञान वर्ग से प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किया। स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय प्रथम श्रेणी एवं परस्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में 76% अंक के साथ वर्ष 2022 में उत्तीर्ण किया है तथा वर्ष 2022 की यूजीसी नेट परीक्षा पास करके नाम रोशन किया है। पिता राजकिशोर तिवारी LIC एजेंट, माताजी गृहिणी हैं। राजकिशोर तिवारी अपने बच्चों को शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस सफलता का श्रेय ईश्वर के बाद माता पिता एवं गुरुजन का है। गौरतलब है कि शिक्षा क्षेत्र में फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता के लिए UGC के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाती है। हाँ तिवारी जी, अपना नाम बताएं, ये बताएं कि आपकी लड़की नेट क्वालीफाई किया, उसके बारे में बताएं। क्या नाम है आपका? राजकिशोर तिवारी। कहाँ रहते हैं? निवासी ग्राम तेंदुआ चौखड़िया। हाँ। पोस्ट खरगोपुर जनपद गोंडा। हाँ। तो लड़की आपकी जो है नेट क्वालीफाई किया है, लोगों पता चला हम लोग को। ये बताएं जो है उसकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा यही हमारे पास में ही निकट में विद्यालय है बाबू विच्चा सिंह इंटर कॉलेज। हाँ। वहाँ से कक्षा 8 तक की पढ़ाई की है। हाँ। उसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा चिन्मय ग्रामोदय इंटर कॉलेज जयप्रभा। हाँ। ग्राम से किया। हाँ। और उसके बाद में इंटर की शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। हाँ। गोंडा से किया है। हाँ। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए हमने उसको दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन दिलाया। वहाँ से उसने स्नातक की परीक्षा पास की और इसी वर्ष 2022 में परास्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास किया है उसने। और उसने UGC नेट की परीक्षा के लिए आवेदन किया था जिसमें उसका नेट के लिए चयन हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि वो बच्ची अकेले रहती थी कि और साथ में कोई रहता था? नहीं, शुरुआती दिनों में हमारी पत्नी जो है उसके साथ में रहकर जो है उसकी देखभाल करती थी, लेकिन बाद में हमारी माता जी बहुत बीमार हो गई तो उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए उनको पुनः घर आना पड़ा। तो इस बीच में बच्ची कुछ वर्षों तक जो है अकेले रही। हाँ बताएं, आप जो है अपनी बच्ची को जो है बड़ी खुशी की बात है कि नेट क्वालीफाई किया है, उसमें आपका क्या श्रेय रहा? आप रहती थी वहाँ? नहीं, इस समय तो हम नहीं रहते थे। जब वो बीए कर रही थी तब हम साथ में थे 2-3 साल। क्या नाम है आपका? मेरा नीरा कुमारी तिवारी। अच्छा, तिवारी। तो तिवारी जी बताएं कि जो है बच्ची की आपकी जो है नेट क्वालीफाई किया है और आप वहाँ रह कर के जो है आपकी योग्यता क्या है? आप पढ़ी लिखी थी कैसे? हाई स्कूल तक किया है। आप तो दादाजी हैं उनके? मैं बजरंग लाल तिवारी। हाँ। निवासी ग्राम तेंदुआ चौखड़िया। हाँ। गोंडा से इंटरमीडिएट किया, इसके बाद में दिल्ली से स्नातक किया, इसके बाद दिल्ली से ही MA किया और आज इस वर्ष UGC नेट में क्वालिफाई किया। मैं अपनी पोती की सफलता के लिए बहुत खुश हूँ और भविष्य उसके उज्जवल भविष्य की कामना करना। अच्छा, ये प्रेरणा तिवारी आपको कहाँ से मिली कि हम बच्ची को दिल्ली भेज कर पढ़ाएं? दिल्ली हमारे पिताजी वहीं रहकर नौकरी करते थे जिससे हमारा दिल्ली आना जाना होता था, तो वहाँ के शिक्षा वातावरण को देखते हुए मैंने भी ये सोचा कि उच्च शिक्षा के लिए मैं अपनी बेटी को वहाँ भेजूँ, जिसके लिए मेरी बेटी भी बधाई की पात्र है और हमारे पिताजी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या नाम है तिवारी जी? रघुनाथ तिवारी, ग्राम चंदुआ चौकड़िया, पोस्ट खरगोपुर, जनपद गोंडा। हाँ। तो आपके गांव की एक लड़की ने नेट क्वालीफाई किया है, खुशी की बात है। अरे, हमारे मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, जिसकी लड़की वंदना तिवारी है जो पढ़ने में बहुत तेज थी। हाँ। और इंटरमीडिएट गोंडा से किया, इसको लेकर जाके दिल्ली में पढ़ाया, वहाँ नेट में पास हुई। तो
तिवारी जी ने मिठाई उठाई तो खिलाई होगी आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, मिठाई उठाई तो खाओगे भाई। धन्यवाद तिवारी जी, इसके लिए आपकी बधाई हो, आपकी जो है लड़की है नेट क्वालिफाई किया है।